मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। ये आह्वान है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। आजादी के इतने वर्षों के बाद आखिरकार मुझे ये क्यों कहना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी ये कहने की? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है। या तो गुलामी के तराजू से प्रगति के काम को तोला जाता है। इसलिए लंबे समय तक हमारे यहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। विदेशों में वहां की संस्कृति से जुड़े स्थानों की ये लोग तारीफ करते करते नहीं थकते, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसकी वजह एक ही थी, अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना, अपने आस्था स्थलों पर अविश्वास, अपनी विरासत से विद्वेष। और ये हमारे समाज में आज बड़ा हो ऐसा नहीं है। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के समय इतिहास से भी हम भलीभांति परिचित हैं। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। पता हो जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे, लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा था। यह अन्याय था कि नहीं था भाइयों? यह अन्याय था कि नहीं था? ये जवाब आपका नहीं है, ये जवाब 130 करोड़ देशवासियों का है। और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए ईश्वर ने मुझे ये काम दिया है। भाइयों बहनों, इस उपेक्षा में लाखों करोड़ों जन भावनाओं के अपमान का भाव छिपा था। इसके पीछे पिछली सरकारों का निहित स्वार्थ था। लेकिन भाइयों और बहनों, ये लोग हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति की शक्ति को समझ नहीं पाए। वो ये भूल गए कि आस्था के केंद्र सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि हमारे लिए ये प्राण शक्ति है, प्राण वायु की तरह है। वो हमारे लिए ऐसे शक्तिपुंज है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें जीवंत बनाए रखते हैं। उनकी गौर उपेक्षा के बावजूद ना तो हमारे आध्यात्मिक केंद्रों का महत्व कम हुआ, ना ही उन्हें लेकर हमारे समर्पण भाव में कोई कमी आई। और आज देखिए, काशी, उज्जैन, अयोध्या, अनगिनत ऐसे श्रद्धा के केंद्र अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं।